नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश के नाम आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद जय भारत। जल्दी से आ जाइए प्यारे बच्चे सभी, जल्दी से प्यारे बच्चे आ जाइए सभी। ध्यान दीजिए, सुपर कॉम्बो परचम बैच, सुपर कॉम्बो परचम बैच। अगर आप डालते हैं सुपर 50 कोड तो आपको 50% की छूट पर ये परचम बैच मिल जाएगा। इसके अंदर 10 तरीके के बैचेस हैं, आरआरबी सीबी2, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी कांस्टेबल, यूपी रेडियो ऑपरेटर, यूपी लेखपाल, एसएससी सीएचएसएल टायर 1, एसएससी सीजीएल टायर 1, एसएससी एमटीएस टायर 1, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल AWO/TPO। तो ये सारे के सारे बैच आपको मात्र मिल रहे हैं 650 रुपए में, जो कि बहुत ही सस्ता है। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर को अवेल करें और ये सुपर कॉम्बो परचम बैच ले लें। एग्जामपुर में चल रहा है स्कॉलरशिप वीक। क्या चल रहा है? स्कॉलरशिप वीक चल रहा है भाई। ये स्कॉलरशिप वीक पर आपको दिया जा रहा है 45% का डिस्काउंट। क्या दिया जा रहा है? 45% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 45% का डिस्काउंट। कैसे मिलेगा? आप कोड यूज करना है आपको DREAM45। 45% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सभी एग्जामपुर के कोर्सेज पर, ठीक है? चलिए सभी नर्सेज आ जाइए फटाफट, आज की क्लास का प्रारंभ करेंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज मौत की गली की तुम गुहार दो। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो टॉपिक है आज का वो है कॉम्युनिकेबल डिजीज सिम्टम्स, उसका उपचार ट्रीटमेंट और उसका प्रिवेंशन। तो वो चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पूछ रहा है एलिसा का पूरा नाम क्या है, एक्चुअली ये है एलाइजा। ये जो टेस्ट होता है बेटा, ये एड्स के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हमें डाउट है, अगर हमें डाउट है कि किसी व्यक्ति विशेष को एड्स हो सकता है, तो हम एलाइजा का टेस्ट उसका करवाते हैं। ये जो एलाइजा का टेस्ट है प्रिंशी मिश्रा, इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो आपको एड्स हो सकता है। तो आंसर यहां पर अगर हम देखें तो कुछ हमें दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस गलत हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, बी इसका सही जवाब है हिंदी में। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, वेरी गुड प्रिंशी मिश्रा। प्रिंशी मिश्रा का सही जवाब, निशा यादव का सही जवाब, निकिता सैनी गुड इवनिंग बेटा। क्लास को सभी प्यारे बच्चे शेयर करो भाई, तभी मजा आएगा। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। यानी कि जो आपका मरीज है वो अस्पताल में है। जो मरीज है वो अस्पताल में है, ठीक है? इन्फेक्शन फ्रॉम द हॉस्पिटल वाइल द पेशेंट इज इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल की वजह से ही उसको एक और इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, खास करके वेंटिलेटर के इन्फेक्शन आपने देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर एक सप्ताह तक रह जाता है तो वेंटिलेटर से ही उसको इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नोजोकोमियल संक्रमण। नोजोकोमियल संक्रमण कहा जाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस।
क्या कहा जाता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन इसको कहा जाता है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंडे आजम गुहार दो। जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं? When antibodies are made inside the infected body, it is called passive immunity, active immunity, both A and B, none of the above. आंसर बताएं, आंसर बताएं। चलिए बताइए आंसर। ये सॉन्ग नहीं है, कविता है ये। चलिए अच्छा बात करते, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एंटीबॉडी की बात करता हूं यानी कि WBC की बात करता हूं तो दो तरह की एंटीबॉडी यानी कि बी लिम्फोसाइट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यही बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले यही उस पर आक्रमण करते हैं कि तू नहीं जा सकता इस शरीर के अंदर, तू इस शरीर का नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान जब अटैक करता है तो बॉर्डर पर एक फोर्स होती है वो उसको रोकती है, तो ये बॉर्डर की फोर्स होती है बी लिम्फोसाइट जो उसे रोकती है, विच इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यही बेटा आंसर हो जाएगा, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्टिव इम्यूनिटी। और जो टी लिम्फोसाइट होती है बेटा ये होती है पैसिव इम्यूनिटी, ये हेल्पर सेल होते हैं। जब हमला इनसे नहीं संभलता तो ये इनको कॉल करते हैं, यानी कि ये क्या है, ये आपका हेल्पर सेल है, सहायक कोशिका है, तब ये सहायता करने आते हैं। ठीक है। हेलो आरती शर्मा, क्लास को सभी नर्सेज एक बार जोरदार तरीके से शेयर करेंगे। पानी को उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर, फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ स्पोर्स। बॉइलिंग वाटर किल्स ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट वन। आंसर बताइए। आंसर बताएं। आदित्य यादव का आ रहा है, आरंभ है प्रचंड भोल मस्तकों के झुंड आज मौत की कि तुमको हार दो। आंसर है, ओए ये क्या हो गया, आंसर देखिए स्पोर्स। ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा ये होते हैं डोमिनेंट स्ट्रक्चर। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्चुअल में अगर मैं आपको समझाऊं कि स्पोर्स क्या है, स्पोर्स एक ऐसी प्रजाति हो जाती है जो एक प्रतिकूल वातावरण में रहते रहते बहुत स्ट्रोंग हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम पानी को उबालते भी हैं तो स्पोर्स नहीं मरते। इसीलिए हमें आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा पानी को साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्पोर्स होते हैं। काफी बच्चों के आंसर सही आए हैं, बहुत बढ़िया। कहता है वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है, द मॉस्किटो डेट ब्रीड्स मोस्टली इन अननेचुरल कलेक्शंस ऑफ वॉटर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। आंसर बताइए। आंसर बताइए।
देखिए वो कह रहे अप्राकृतिक संग्रह, यानी कि तालाब में नहीं, अप्राकृतिक। अप्राकृतिक क्या है कि भाई जैसे कि हम बाल्टी में थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, वो पानी 2-3 दिन से रखा हुआ है उसी में वो पैदा हो जाएगा, या फिर साफ पानी है वो भी खुला हुआ है वो वहां पर भी पैदा हो सकता है। तो ऐसा एक ही मच्छर है जिसको बोला जाता है एडीज इजिप्टी, इसका पूरा नाम होता है एडीज इजिप्टी। ये मादा टाइगर मॉस्किटो है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो इसको कहा जाता है। इसके पीछे क्या होती है, सफेद और काले रंग की धारियां होती हैं इस तरीके से, ये मच्छर है तो इसके अंदर सफेद और काले रंग की धारियां होंगी। क्या होंगी, सफेद और काले रंग की धारियां होंगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, टाइगर मॉस्किटो कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो हम कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। ये जो एडीज जिप्टी है ये पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर, यानी कि येलो फीवर या फिर डेंगू फीवर, या फिर डेंगू फीवर या फिर चिकनगुनिया जैसे रोग करता है, चिकनगुनिया जैसे रोग करता है। एनाफिलीज मलेरिया फैलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता, जीवाणु से नहीं होता भाई, काली खांसी जीवाणु से होता है, टाइफॉइड, टाइफॉइड का जीवाणु सल्मोनेला टाइफे, सल्मोनेला टाइफे। मलेरिया ये परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, इसके परजीवी का जो नाम है वो है प्लास्मोडियम। तो आंसर तो आपको पता चल ही गया कि आंसर है सी, प्लास्मोडियम। आंसर क्या है, प्लास्मोडियम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, आरंभ है प्रचंड भोल मस्तकों के झुंड, सुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं सिवाय की, हैजा, कॉलेरा जिसको कहते हैं, पेचिस, पेचिस का मतलब स्क्रू ड्राइवर नहीं है, पेचिस का मतलब है यहां पर गार्डियासिस, टाइफॉइड या चेचक स्मॉल पॉक्स। तो बताइए, असुरक्षित जल, देखिए हैजा जो है अगर उसकी बात की जाए, हैजा की अगर बात की जाए तो वो भी किससे होता है, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, संक्रमित खाना एवं पानी। गार्डियासिस इसका लक्षण ही क्या था, खूनी दस्त, लक्षण क्या है इसका, खूनी दस्त। ठीक है, ये किससे होता है, ये भी सेम उसी से होता है, संक्रमित खाना एवं पानी। टाइफॉइड ये भी संक्रमित खाना एवं पानी। जहां पर भी आप देखिए, जैसे कि हमारा जो देश है वो कीचड़ वाला देश है, यहां पर कीचड़ हो जाता है जब बारिश होती है, तो जो मक्खी होती है मान लो कि, या कीचड़ नहीं भी हुआ तो आजकल क्या है कि किसी ने शौच कर दिया। ठीक है, मान लो कि कोई निशा नाम की लड़की थी, वो गोलगप्पे खाने ही वाली थी, इतने में एक मक्खी जो शौच पे बैठी हुई थी वो उड़कर आकर उसके गोलगप्पे पे बैठ गई, उसने अपना सोचा छोड़ो गोलगप्पा टेस्टी है, खा गई, तो उसको इनमें से कोई सी बीमारी हो सकती है। लेकिन एक स्मॉल पॉक्स है जो वायरस से होने वाली बीमारी है, किससे होती है, ये वायरस से होती है, विषाणु से होती है, किससे होती है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसके विषाणु का नाम है वेरियोला, वेरियोला। लेकिन अब ये बीमारी भारत में नहीं होती है। ठीक है, चलिए, कृष्णा प्रताप राजपूत, बेटा इसके लिए बुक कोई लेने की आवश्यकता नहीं है, जो करा रहा हूं चुपचाप करते जाओ। लगभग अभी तक अगर आप देखोगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, लगभग लगभग
मैं आप लोगों को 500 से तो ऊपर क्वेश्चंस करा ही चुका हूं, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक, क्या हुआ? आप लोग हंस रहे हैं, काहे हंस रहे हैं? उसके बाद बात करते हैं। कहता है हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका क्या है? द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस सी सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर जिस फैलता है वो है कंटेमिनेटेड ब्लड, दूषित रक्त, दूषित रक्त की वजह से फैलता है। ठीक है, बीएड के लिए बेटा देखिए कुछ चीजें तो इसमें बीएड में आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो टिपिकल नर्सिंग के लिए ही हैं। ठीक, चलिए। आरंभ है प्रचंड घोल मस्तकों, उसके बाद बात करेंगे। कहता है कौन सा प्राणी जापानी इंसिफिलाइटिस का एम्पलीफायर है? गाय, बंदर, सुअर, बिल्ली। विच एनिमल इज द एम्पलीफायर ऑफ जैपनीज एंसीफलाइटिस? बताइए। तो याद रखिएगा, जापानी एंसीफलाइटिस, एंसीफलाइटिस होता क्या है? सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं, एंसीफलाइटिस जो होता है वो फोर ब्रेन की बीमारी है, अग्र मस्तिष्क की बीमारी होती है ये। किसकी बीमारी होती है? अग्र मस्तिष्क की बीमारी होती है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के लिए हमारा सुपर कॉम्बो परचम बैच आप ले सकते हैं, सुपर कॉम्बो परचम बैच ले सकते हैं। तो ये जो जैपनीज एंसीफिलाइटिस है, इसके अगर वाहक की बात की जाए, एम्पलीफायर, इन्होंने बोला एम्पलीफायर का मतलब भी एक तरीके से वाहक ही होता है, वेक्टर होता है। तो इसका वेक्टर है पिग, यानी कि सुअर। जो लोग सुअर के साथ रहते हैं, खेलते हैं उसके साथ, कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं या सुअर खाना पसंद करते हैं बेटा, उनको ये बीमारी हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि 12 फरवरी यानी कि सैटरडे, 12 फरवरी यानी कि सैटरडे आईएसपीसीएस बाय एग्जामपुर पर एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसको कहा जाता है दस्तक बैच। जो भी बच्चा आईएसपीसीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है वो 12 फरवरी सैटरडे को इस इवेंट को अवश्य देखे। मीना मौर्य, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। हमेशा लेट आती है लड़की। चलिए, उसके बाद बात करेंगे दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण, सुस्ती। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डेथ इन डायरियल डिजीज? वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन, लिथार्जी। आंसर बताएं। अच्छा, मैंने उसका आंसर नहीं बताया ना, दसवें का, दसवें का आंसर तो मैंने बताया ही नहीं। ले, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फेको ओरल है? विच ऑफ द डिजीज इज अ फेको ओरल? तो बताइए फेको ओरल कौन सा डिजीज फेको ओरल होता है? तो याद रखिएगा, आंसर है खसरा मीजल्स। दसवें का आंसर है खसरा मीजल्स। सर मैं आपकी क्लास शुरू से देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, देख लो। ठीक है, उसके बाद 11वें प्रश्न की बात करेंगे। कहता है दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो भाई सबको पता है कि दस्त के अंदर निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि जितने भी आयंस होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, और जितने भी आपके क्या होते हैं, और क्या होते हैं, जितने भी क्या कहते हैं पानी वगैरह होता है वो भी निकल जाता है, वाटर, मिनरल्स, खनिज सब निकल जाते हैं। कहता है बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? हाउ इज द बीसीजी वैक्सीन इंजेक्टेड? तो आंसर बताइए जल्दी से। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बीसीजी का इंजेक्शन इंट्राडर्मल लगता है। कहाँ लगता है? इंट्राडर्मल लगता है, स्किन में। ठीक है, स्किन में लगता है। ठीक,
ठीक, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करिए यार, शेयर कीजिए आप लोग। कहता है कॉम्प्लेक्स स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? छोटी माता, मम्स, खसरा, पोलियो। कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स आर सीन इन विच डिजीज? चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, पोलियो। आंसर बताएं, आंसर बताएं। बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। कॉम्प्लेक्स स्पॉट, तो कॉम्प्लेक्स स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे खसरा में, मीजल्स में। इसके अंदर क्या होता है कि मुंह के अंदरूनी हिस्से पर नीले व सफेद रंग के धब्बे या सफेद रंग के दाने देखने को मिलते हैं, उसको खसरा और मीजल्स कहा जाता है। उसको खसरा और मीजल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खसरा और मीजल्स उसको कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? खसरा और मीजल्स उसको कहा जाता है। ठीक, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो देखिए आंसर बताइए। सुपर 50 अगर आप कोड डाल देंगे, सुपर 50 अगर आप कोड डालेंगे तो आपको जो हमारा सुपर परचम कॉम्बो बैच है वो आपको 50% के डिस्काउंट पर मिल जाएगा। इस बैच के अंदर 10 तरीके के बैचेस हैं, 10 तरीके के बैचेस हैं। जैसे कि अभी एक ने पूछा एसएससी सीएचएसएल टायर वन भी है, एसएससी सीजीएल टायर वन है, एसएससी एमटीएस टायर वन है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल है ना, हेड मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो आप सभी बच्चे अभी इसको परचेज कर सकते हैं क्योंकि इस पर 50% का ऑफ है। ठीक है, चलिए चलिए। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू के क्या लक्षण हैं। अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, वायरस से, विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसको जो फैलाती है वो है फीमेल टाइगर मॉस्किटो, फीमेल टाइगर मॉस्किटो। क्या है? फीमेल टाइगर मॉस्किटो, मादा टाइगर मच्छर इसको फैला रहा है। इसके लक्षण है तेज बुखार, बुखार में दर्द, आंखों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। इसमें हल्का बुखार नहीं होता, इसमें तेज बुखार होता है। ठीक है, इसीलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ब्रेक बोन फीवर। याद रखिएगा, ब्रेक बोन फीवर आ सकता है आपके पेपर में कि ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है। दीपा वर्मा आ गई, दीपा वर्मा भी रोज लेट हो रही है क्लास में, मैं भी लेट हो जाया करूं क्या? ये बताओ, सना परवीन भी अब आई है, मतलब हद होती है, सब लेट लेट आते हो, मैं भी लेट होना शुरू कर दूं? वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, वायबिलिटी मॉनिटर। आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, वीवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो है वैक्सीन वियाल मॉनिटर।
वैक्सीन वियाल मॉनिटर, वैक्सीन वियाल मॉनिटर, ठीक। चलिए कहता है किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रसायन पदार्थ से किया जाता है। With which chemical substance can an object surface be determined infection free from a coronavirus? वाह भाई वाह। थर्मल क्लोराइड, मेथेनॉल क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो याद रखिएगा बेटा, अगर हमें किसी भी जगह को कोरोना वायरस से मुक्त करना है, किससे मुक्त करना है, कोरोना वायरस से मुक्त करना है, तो एक सॉल्ट सबसे ज्यादा कामयाब है जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। बेटा आपने, आपको पता होगा कि ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल जो भी हॉस्पिटल में अभी वर्किंग है, हॉस्पिटल्स के अंदर इसका इस्तेमाल पोंछा वगैरह लगाने में किया जा रहा था। ये एक लीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर लगाया जाता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है, यहां तक कि दीवारों का रंग तक फेड कर देता है। तो आंसर हो जाता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या आंसर हो जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, मुझे जहां तक लगता है, मेरा मन कहता है ऐसा। कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 से 8 माह, कम से कम 12 माह, कम से कम 18 से 24 माह, कम से कम 24 से 26 माह। जल्दी से आंसर बताएं, बताइए। तो भाई देखिए, इसको बोला जाता है, अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखें तो इस तरीके से इसको लिखकर आपको पेपर में दे सकता है, MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। बेटा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक खराब तरह की टीबी होती है। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर त्वचा पर फोड़े भी निकल आते हैं टीबी के, ठीक है। इसका इलाज कम से कम 18 से 24 माह, कम से कम 18 से 24 महीने, यानी कि 2 साल तक इसका इलाज चल सकता है। 2 साल तक इसका इलाज चलेगा। कितना चलेगा? 2 साल तक इसका इलाज चल सकता है। 18 से 24 महीने, 1.5 से 2 साल इसका इलाज चल सकता है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ड्रग्स व्यक्ति को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, पतले होते चले जाना। वैसे तो इसका जो इलाज है वो बहुत ही कम लोग इतने लंबे समय तक पूरा कर पाते हैं, बीच में ही दिक्कत हो जाती है ऐसे जो आपके क्या कहते हैं पेशेंट्स होते हैं, ठीक। एक तरीके से अगर आप इसको समझना चाहो तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये लेप्रोसी और टीबी का कॉम्बिनेशन होता है, कोड़ का और तपेदिक का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मिले हो तुम हमको। COVID-19 बीमारी का कारक दवा है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इज द कॉजिटिव ड्रग ऑफ COVID-19 डिजीज। तो COVID-19 की अगर हम बात करें, COVID-19 वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। कहता है टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? शिक टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट या एलाइजा टेस्ट? वीडीआरएल टेस्ट जो होता है, मैंने एलाइजा टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये एड्स के लिए होता है। वीडीआरएल टेस्ट साइफिल्स नाम की एक डिजीज होती है जो कि यौन संक्रमण रोग है, उसके लिए होता है। मोंटॉक्स टेस्ट जो होता है वो टीबी के लिए होता है।
मोंटॉक्स टेस्ट किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है। तो आपको पता चल गया कि आंसर क्या है, तो आंसर हो गया मोंटॉक्स टेस्ट। आंसर क्या हो गया? मोंटॉक्स टेस्ट। ठीक, इसके अंदर मरा हुआ जीवाणु व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाता है और वहां पर एक गोला कर दिया जाता है। अगर वो जो बैक्टीरिया है जो अंदर है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पक जाता है तो आपको टीबी है, अगर नहीं पकता है तो आपको टीबी नहीं है। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स आज दिन पेपर कि टाइफाइड की बीमारी का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। हाँ भाई, एक बच्चा पूछ रहा है शिक टेस्ट किसके लिए होता है? तो शिक टेस्ट मैंने आप लोगों को बता रखा है। नर्सिस, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? शिक टेस्ट जल्दी से जवाब दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा है सर शिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शिक टेस्ट होता है वो डिप्थीरिया यानी कि गल घोटों की बीमारी के लिए किया जाता है। गल घोटों की बीमारी, ठीक है, वेरी गुड दीपा वर्मा। ऑप्शंस हिंदी में क्यों नहीं है? एक आधे क्वेश्चन के रह गए बेटा, कोई बात नहीं बन पाए होंगे, बाकी वैसे ऑप्शन हिंदी में है। ठीक है, एचआईवी संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इंफेक्शन? नॉर्दर्न ब्लॉट तथा एलाइजा, इम्यूनो ब्लॉट तथा एलाइजा, सदर्न ब्लॉट तथा एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलाइजा। आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर बताइए। गला गट की बीमारी होती है, बिल्कुल। गला गट बोल दो, गल घोंटू बोल दो बेटा, बात एक ही है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, डिप्थीरिया को गला गट या गल घोंटू दोनों ही बोला जाता है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, तब तक मैं आपको बताता हूं कि एग्जामपुर पर इस वीक चल रहा है स्कॉलरशिप वीक। स्कॉलरशिप वीक है बेटा, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे विवेक सर आपके 45% का डिस्काउंट लेकर आए हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए कि अगर उन्हें किसी भी चीज, चलिए, किसी भी बच्चे को अगर एग्जामपुर का कोई भी बैच चाहिए तो वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं 45% का डिस्काउंट कर। तो आप इस पर अगर आप किसी भी कोर्स पर एक कोड लगाएंगे, वो कोड कौन सा है? वो कोड है Dream45। क्या है वो कोड? Dream45। तो इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बहुत ही कम दामों में एग्जामपुर के सारे पेड कोर्सेस ले सकते हैं। ठीक, सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो याद रखिएगा, एचआईवी संक्रमण के लिए वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलाइजा का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रमण एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। द कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और एन इन्फेक्शियस एजेंट विद इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड पेंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी या खाली महामारी, स्थानिक या स्पोराडिक, बताइए आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, यानी कि मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, ये चाइना है, ठीक है, ये चाइना का वुहांग शहर है, यहां पर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और अचानक से पता नहीं क्या होता है कि एक वायरस रिलीज हो जाता है
और जो वुहांग देश को संक्रमित कर, वुहांग शहर को संक्रमित कर देता है। तो इस पूरे शहर को जब संक्रमित कर दिया इसने, तो वहां पर घोषित हो जाएगी महामारी। क्या हो जाएगी? पेंडेमिक घोषित हो जाएगा, महामारी घोषित हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है, उसे निम्न कहा जाता है। द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस थ्रू विच एन इंफेक्शियस एजेंट पासिस और इज ट्रांसमिटेड टू द फीड इज कॉल्ड। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। कहता है वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिसे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है, उसे निम्न क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। तब तक मैं आपको बता दूं कि 12 फरवरी सैटरडे को ISPCS बाय एग्जामपुर, ISPCS बाय एग्जामपुर आपके लिए लेकर आ रहा है दस्तक बैच। ये दस्तक बैच आपको ISPCS के ऑफिस तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे सैटरडे को जाकर इस दस्तक बैच के इवेंट को जरूर देखें। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस बैच को ले सकते हैं। चलिए, तो आंसर बताइए, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं स्रोत, सोर्स। The person, animal, object or a substance through which an infectious agent passes or is transmitted to the feed is called source. इसको क्या कहेंगे? इसको सोर्स कहेंगे, इसको स्रोत कहेंगे। उसके बाद कहता है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में डैश को छोड़कर निम्नलिखित बीमारियां शामिल हैं। द फॉलोइंग डिजीजेस आर इंक्लूडेड इन द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम एक्सेप्ट मलेरिया, लेप्रोसी, चिकनगुनिया, जैपनीज एनसीफेलाइटिस। आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में कोड, कुष्ठ रोग को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। मीना मौर्य, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है मीना मौर्य। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कालाजार बुखार डैश के काटने से फैलता है। देखिए, कालाजार जो बुखार है वो बेसिकली एक परजीवी से होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? परजीवी से होने वाली बीमारी है। इसके परजीवी का नाम क्या है? इसके परजीवी का नाम है लेशमैनियासिस। क्या नाम है इसका? इसके परजीवी का नाम है लेशमैनिया, लेशमैनिया डोनावानी। ठीक है, कालाजार को एक और नाम से बुलाते हैं, लेशमैनियासिस इंग्लिश में, लेशमैनियासिस। ठीक, इसको फैलाती जो है वो मक्खी है, सैंड फ्लाई या फिर ब्लैक फ्लाई यानी कि काली मक्खी। ठीक है, जिसको बड़ मक्खी कहा, बड़ मक्खी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ मक्खी भी कहा जाता है। तो कालाजार इससे होता है, परजीवी का नाम है लेशमैनिया डोनावानी। परजीवी का नाम क्या है? लेशमैनिया डोनावानी। परजीवी का क्या नाम है? लेशमैनिया डोनावानी। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे और एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, क्योंकि पीडीएफ आपको एग्जामपुर ऐप पर ही दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वहां पर जो फ्री कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज के अंदर UP SSC जो आपका फीमेल हेल्थ वर्कर का कॉलम बना हुआ है, वहां पर आपको PDF दी जाती है।
ठीक, इंग्लिश में गलत लिखा है, बटरफ्लाई लिख दिया। ठीक है, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को निम्न कहा जाता है। द पर्सन ट्रांसमिटिंग द मैसेज इज कॉल्ड एनकोडर, रिसीवर, डिकोडर, थिंकर। तो याद रखिएगा, जो भी संदेश प्रसारित करने वाला व्यक्ति होता है उसको एनकोडर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकोडर। अरे बटरफ्लाई गलती से लिखा हुआ है भाई, बताया तो सही, सैंड फ्लाई या फिर काली मक्खी इसको कहा जाएगा। ठीक, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक्स में कंजूसी है, क्यों काहे? कहता है वैक्सीन व्याल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है। द मेन पर्पस ऑफ वीवीएम वैक्सीन, वीवीएम की फुल फॉर्म बात पूछी थी ना हमने स्टार्टिंग में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें, एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीन के नुकसान को रोकना, प्रिवेंटिंग द हार्म ऑफ द वैक्सीन, सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए, एंश्योर दैट हीट डैमेज्ड वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, या फिर आसान प्रशासन यानी कि इंग्लिश में अगर देखें तो इजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आंसर दीजिए सभी प्यारे बच्चे। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए, एंश्योर दैट हीट डैमेज्ड वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, यानी कि जो वैक्सीन गर्मी की वजह से खराब हो गई है वो किसी भी व्यक्ति को ना लगाई जाए या बच्चे को ना लगाई जाए, क्योंकि ये एक हानिकारक हो सकती हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ द डिजीज एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड क्रमिक अंतराल, सक्सेसिव इंटरवल्स, ऊष्मायन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड, अव्यक्त अवधि, लेटेंट पीरियड, संचारी अवधि, संचारी अवधि यानी कि कम्युनिकेबल पीरियड। आंसर बताएं, आंसर बताएं इस क्वेश्चन का जल्दी से। तो बताइए, कह रहे द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इंफेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ द डिजीज, यानी कि सीधी सी बात है, एक व्यक्ति है उसके अंदर चला गया एक वायरस, ये वायरस उसके अंदर गया रात को, रात को उस गया और अगले दिन, और अगले दिन सुबह, अगले दिन सुबह उसको लक्षण नजर आए, उसको पहला लक्षण नजर आया, वो लक्षण था खांसी। वो लक्षण क्या था? खांसी। तो रात से सुबह तक का जो अंतराल है उसको कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। उसको क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड, ऊष्मायन अवधि। उसको क्या कहा जाता है? ऊष्मायन अवधि। बहुत बढ़िया मीना मौर्य जी, आप क्लास को लाइक कर दी हैं तो धन्यवाद। शेयर करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी टाइम से सेम मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं लेकिन आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं। कहते हैं चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है, सुअर से, मच्छर का काटे हुए से, चिकन से, पक्षियों से। तो चिकनगुनिया किससे फैलता है? अभी मैंने आपको बताया था कि एडीज इजिप्टी, मच्छर के काटने से, मॉस्किटो बाइट, कौन से मच्छर के काटने से? एडीज इजिप्टी के काटने से, जिसको मादा टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो जिसको कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है? मादा टाइगर मॉस्किटो जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं कि 12 फरवरी को, 12 फरवरी को सैटरडे ISPCS बाय एग्जामपुर पर एक बैच आ रहा है जिसको कहा जाता है दस्तक बैच। तो सभी बच्चे जाकर आईएस, जो भी बच्चा ISPCS का एग्जाम क्रैक करना चाहता है वो जरूर जाकर इस दस्तक बैच की इंफॉर्मेशन ले सैटरडे को। हेपेटाइटिस डी संक्रमण तमी होता है जब, तभी होता है जब व्यक्ति डैश के लिए पॉजिटिव हो। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन ओनली अकर्स व्हेन अ पर्सन इज पॉजिटिव फॉर ए, बी, सी और ई हेपेटाइटिस। आंसर बताएं। बताइए। तो भाई अगर व्यक्ति को जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी किसको बोलते हैं? जॉन्डिस को बोलते हैं। अगर किसी को पीलिया है तभी उसको हेपेटाइटिस डी हो सकता है, ठीक है। तो जॉन्डिस के अंदर, या ये आप कह सकते हो कि जॉन्डिस की अगली स्टेज हेपेटाइटिस डी की होती है। किसकी होती है? हेपड़ी की होती है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सभी को बढ़िया क्वेश्चंस लगे होंगे और क्लास को टाइम पर आप लोग आ जाया कीजिए। 4 PM पर क्लास चलती है और अब आपके कुछ स्पेशल सेशन भी मैं शुरू करूंगा एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे आपसे कल शाम 4 बजे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।